हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्यूब। क्यूब के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्यूब का क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और ज़्यादातर हम बात इसके अंदर क्यूब की करने वाले हैं। तो क्यूब से रिलेटेड हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिससे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या रहेगी, हेल्प रहेगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें सॉलिड स्टेट चैप्टर की, तो दोस्तों मैंने अकेडमी पर सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट किया है, वहाँ पे अभी एक्सरसाइज चल रहे हैं। आपको अगर थ्योरेटिकली पढ़ना है तो अन अकेडमी पर भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। और भी मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्यूब। तो दोस्तों देखिएगा, इधर क्यूब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की, तो क्यूब के अंदर सब जानते हैं हम कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। 8 क्या होते हैं टोटल इसमें कॉर्नर्स, सही है। चलिए दूसरी बात देखो, 8 कॉर्नर काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इस तरह से टोटल 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। बात करें अपन एज की, एजेस कितनी होती है इसके अंदर, देखो काउंट करते हैं। एजेस क्या है, आपके 2 कॉर्नर को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसको बोल रहे अपन एज। और दूसरी बात ये और इम्पोर्टेंट है, क्यूब के अंदर सारी एज लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, जिसको अपन ए मान लेते हैं। सारी एज लेंथ क्या है, ये इक्वल है, ठीक है ना। तो काउंट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितनी एजेज हैं इसके अंदर, 12 एजेज हैं। बात आगे करते हैं अगर फेसेस की, तो फेस कितनी है इसके अंदर काउंट करते हैं। देखो फेस आपकी एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, है ना। ऐसे ही ये सामने वाली, इधर वाली और एक बैक साइड वाली, 4 तो ये गई, और एक दोस्तों अप वाली और एक नीचे वाली, डाउन वाली, यानी कि इसी से अपन शो कर सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 6 फेसेस हो गई इसके अंदर। अब बात करें दोस्तों आपका क्या फेस डायगोनल, फेस डायगोनल देखते हैं फोर्थ नंबर पे, फेस डायगोनल कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। देखिए इधर, अब मान लेते हैं आपकी ये क्या एक फेस है, ये वाली फेस है, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इसका फेस डायगोनल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका फेस डायगोनल, ऐसे ये भी फेस डायगोनल होगा इसका। तो एक फेस आपकी कितने डायगोनल बना रही है, इस पर कितने डायगोनल है इसके, 2 डायगोनल है। तो टोटल कितनी फेसेज हैं, 6 फेसेज हैं, तो आपके फेस डायगोनल कितने जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बात करें फेस डायगोनल की लेंथ की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आप, ये कितनी आपकी ए, और ये भी कितनी है आपकी ए, ये वाली एज लेंथ ए है, ये भी ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये एंगल जो हैगा आपका इनके बीच का, ये कितना है 90 डिग्री, तो कर सकते हैं इसको पाइथागोरस से कैलकुलेट। तो ये कितनी आएगी आपकी, √2 आएगी, है ना, या हम कह सकते हैं √2। चलो इसको √2 लिख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी बात देखते हैं आप इसमें बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने हैं, 1 इस क्यूब के अंदर, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे एक ही होगा सेंटर, तो है ना। तो बॉडी सेंटर कितना है, 1 ही है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, बॉडी डायगोनल की। देखो दोस्तों, बॉडी डायगोनल कितने होंगे आपका, ये क्यूब है तो इस क्यूब का ये वाला कॉर्नर है ना, और ये वाला कॉर्नर, ये ना, ये इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, फेस डायगोनल बन जाएगा। हमको इनके अपोजिट ये वाला और ये वाला, इसको मिलाएंगे एक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बॉडी डायगोनल। सिमिलरली इसको और इसको मिलाएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, एक बॉडी डायगोनल। ऐसे अगर अपन बात करें इस वाले कॉर्नर की और एक इस वाले कॉर्नर की, ठीक।
और ऐसे ही इस वाले कॉर्नर की और इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे तो टोटल चार आपके बॉडी डायगोनल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? चार। अभी मैं मॉडल से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। बात अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल की लेंथ की, बॉडी डायगोनल के लेंथ की, तो ये होती है दोस्तों ए रूट थ्री। कितनी होती है ये? ए रूट थ्री, सही है। आपको याद रखने है कि फेस डायगोनल तो कितनी होती है? ए रूट टू। और बॉडी डायगोनल लेंथ कितनी होती है? ए रूट थ्री, ठीक है। चलिए तो चलिए अब दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट अपन का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, ठीक है। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना अगर हमको आता है तो हम एक यूनिट के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो उसके लिए पहले अपन को कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, है ना। तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, एटम प्रेजेंट इन इन यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इसका यूज हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के अंदर, वहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल पता होना चाहिए, तभी अपन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर भी अपन को टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कैलकुलेट करना पड़ता है, तो उसको सीखते हैं। देखो कोई भी क्रिस्टल सॉलिड है आपका, वो बनता है यूनिट के रिपीटेशन से, और वो भी कैसा रिपीटेशन? रेगुलर रिपीटेशन, है ना। चलिए अब आपको क्या होता है, पता है आपको कि जैसे एक यूनिट है आपकी, एक क्यूब है ना। तो ऐसा तो है नहीं पूरे क्रिस्टल के अंदर एक ही क्यूब होगा, काफ़ी सारे क्यूबों से मिलकर बना होगा वो, है ना, उसका रिपीटेशन हुआ होगा ना बार बार, तो हमको वो अज्यूम करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर ये एक मॉडल लिया है आपका, इसके अंदर आपको एट क्यूब दिख रहे होंगे। देखो देख सकते हो आप, पहला ये रहा वन टू, इसके पीछे जस्ट थ्री और ये फोर, तो नीचे फोर है, सिमिलरली ऐसे ही आपके ऊपर भी फोर है। अब हमको क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन देखने हैं इन एटम्स के अलग अलग प्लेस पर। मैंने बोला आपका एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो देखो आप उसके लिए ये वाला एटम देखो, ये जो पिक किया मैंने, ये वाला है ना। इस एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम देखेंगे कि ये आपका जो कॉर्नर है ना, वो वन टू थ्री फोर नीचे वाले क्यूब में क्या है आपका, पार्टिसिपेट कर रहा है या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सिमिलरली ये आपका एट वाले, ये जो सॉरी फोर क्यूब आपके ऊपर वाले हैं, फोर ऊपर वाले फोर नीचे वाले, इन चार एट जो क्यूब हैं आपके, उन सब के अंदर क्या है आपका कॉमन क्या है, कॉर्नर है। तो कॉर्नर का एटम आप जब भी कॉन्ट्रीब्यूशन लोगे वो क्या लोगे कॉर्नर का, वन बाई एट, क्योंकि ये वाला जो कॉर्नर है आपका वो कितने में कॉमन है, एट क्यूब के अंदर कॉमन है, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लेते हैं, वन बाई एट। अब ऐसे नहीं कि इसका ही आप वन बाई एट लोगे, ये जितने भी कॉर्नर आप देख रहे हो ये सब किस में होंगे, एट क्यूब में कॉमन होंगे। मैंने वो दिखाने के लिए अब इतना बड़ा तो बना ही सकते, देखो ये वाला कॉर्नर पे है तो इसका भी वन बाई एट, इसका भी वन बाई एट, सबका वन बाई एट है अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो, क्योंकि देखो इसके बाद अगला आएगा एक क्यूब, इधर भी आएगा और ऊपर आएगा, सब जगह पर, यानी आपका ईच क्यूब जो है ना वो एट क्यूब में क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। चलिए कॉर्नर की बात हो गई, अब बात करते हैं अगर आपका जो एटम है, मान लीजिए जैसे ये एज हो गई आपकी, और एज के किस पर प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, इस एज के सेंटर पे प्रेजेंट है आपका क्या एटम, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसका पहले आप देखिए ये कितने में पार्टिसिपेट कर रहा है या कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है। आपकी ये एज है, ये एज कितने क्यूब में कॉमन है, इस वाले क्यूब में भी काउंट हो रही है और इस वाले में भी काउंट हो रही है ना, यानी कि आपकी जो एज है दो तो इनमें हो गई काउंट। अब देखो ये जो ऊपर वाला क्यूब है उसमें भी तो काउंट हो रही है, यही भी सिमिलरली ऐसे इधर वाले में भी काउंट हो रही है, यानी कि आपकी एक एज चार क्यूब में क्या हो रही है, कॉमन है, या कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है आपका। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा आपका एटम वो भी चार क्यूब के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, तो एज के सेंटर पे प्रेजेंट आपका जो क्यूब है, सॉरी एज के सेंटर पे प्रेजेंट आपका जो एटम है वो वन बाई फोर कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, कितना देता है, वन बाई फोर। अब बात करें फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, मान लो आपकी ये क्या फेस है, ये वाली फेस, इसके अगर सेंटर पे प्रेजेंट होगा एटम तो देखो वो इसमें भी कॉमन है, ये वाली फेस इसमें भी कॉमन है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। जैसे देखो ये वाला आपका क्यूब है, इसकी फेस है, इस फेस के सेंटर पे रखा है,
तो ये जो फेस है इस वाले क्यूब में भी कॉमन है और उस वाले में भी कॉमन है, तो ये क्या होगा आपका 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। फेस के सेंटर पे प्रेजेंट एटम क्या देता है, 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और दोस्तों लास्ट अगर अपन बात करें किसी क्यूब के सेंटर पे, अगर बॉडी सेंटर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो इसका खुद का अकेला एक सेंटर है, इसका खुद का अपना एक सेंटर है। ऐसे अपन देख सकते हैं कि जितने भी क्यूब हैं उनका खुद का अपना अपना एक क्या है, सेंटर है, उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो दोस्तों अपन ने इसमें क्या देखा, अभी देखा हमने कॉन्ट्रीब्यूशन देखे एटम्स के, बस ये अपन ने मॉडल की हेल्प से देख लिया। एक बार आपको याद रखनी है ये जो पहले बात की थी, अपन ने 7-8 पॉइंट देखे थे क्यूब से रिलेटेड, और 4 ये कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखने। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, वहाँ पे अपन को हेल्प मिलेगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपन किसका, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स एटम कितना हुआ दोस्तों, 1/8, सही है। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर एटम, इसका कितना था, 1/4, ठीक है ना। थर्ड है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम, इसका कितना था, 1/2। और बात करें किसका, फोर्थ का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर इसका दोस्तों कितना है, 1। ये आपको याद रखने हैं, मॉडल की हेल्प से हमने इनको देख लिया। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका क्या यूज है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, FCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करना, और आपका BCC के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करना। तो दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने क्या देखा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट क्यूब, है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमने देखा अभी कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्वेश्चन करेंगे कौन से आयनिक आपको क्या देगा, क्रिस्टल देगा, उसका हमको फॉर्मूला निकालने के लिए देता है वो, उस तरह के क्वेश्चन हम यहीं से करेंगे। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कि एक क्रिस्टल है, उसमें ए तो किस पर है, कॉर्नर पर है, और बी आपका किस पर है, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका हमसे फॉर्मूला पूछ लेगा, फिर पूछेगा, बोलेगा कि उनमें से एक एटम को हटा दिया हमने, वहाँ से 7 ही एटम बचे। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम सीखेंगे, है ना, उसमें आपको ये यूज आने वाला है, ठीक है गाइस, थैंक यू।